हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्यास कॉर्नर। और आज मैं बनाने वाली हूँ मखाना और साबूदाने की खीर, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो नवरात्रि में अगर आप चाहें तो इसे भोग के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कटोरी लिया है मखाना, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है साबूदाना। इसको मैंने 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था। एक कटोरी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है चीनी, आधी कटोरी मैंने यहाँ पे लिया है घी, और इलायची मैंने लिया है 2 से 3, यहाँ पे मैंने लिया है दूध, और ड्राई फ्रूट मैंने यहाँ पे लिया है। इसमें लिया मैंने पिस्ता, बादाम और काजू, इसको भी मैंने काट लिया है। और कढ़ाई मैंने गरम करने के लिए रख दी है, और इसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी देसी घी। और देसी घी डालने के बाद हम यहाँ पे मखाना डालेंगे और अच्छे से इसको रोस्ट करेंगे धीमी आंच पे। और ध्यान आपको इस बात का रखना है कि गैस की फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं होनी चाहिए, और हमें लो फ्लेम पे ही मखाना को अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो धीमी आंच पे हम इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको पीसेंगे, और जब हम इसे पीसेंगे तो इसका बिल्कुल भी पाउडर नहीं, आपको पाउडर जैसा नहीं पीसना है, और थोड़ा दरदरा ही हमें पीसना है इसे। और इसे रोस्ट करते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे पीस लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पीस लिया है मिक्सी में, और थोड़ा दरदरा ही मैंने पीसा है, और आप देखिए ये अच्छे से पीस गए हैं। अब उसी कढ़ाई में मैं यहाँ पे डाल दूँगी साबूदाना जो हमने भिगोया हुआ था पानी में, और इसे भी मैं धीमी आंच पे पका लूँगी 7 से 8 मिनट के लिए। और एक कप या मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ, और इसे भी मैं धीमी आंच पे पका लूँगी, और जब तक हमारा जो साबूदाना है वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता और अच्छे से पक नहीं जाता, तब तक हमें इसे पका लेना है धीमी आंच पे। और बीच बीच में आप इसे चलाते रहें, नहीं तो ये चिपकने लगेंगे। और आप देखिए साबूदाना जो है अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे दूध, और दूध डालने के बाद इसे लगातार चलाते रहें, और जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता तब तक हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे। तो इसे लगातार आप चलाते रहें, और इसको मैंने ढक दिया है थोड़ी देर के लिए जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता। और धीरे धीरे इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है, और ये देखिए आप। और जब इसमें बॉईल आ जाएगा तब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देंगे, और धीमी धीमी आंच पे हम इसे पकने देंगे। और आप देखिए हमारी खीर जो है धीमी आंच पे अच्छे से पक रही है। तो खीर जब पकती रहे तब आप इसको लगातार चलाते रहें थोड़ी थोड़ी देर पे। और साइड में ये जो मलाई है मैं इसे भी निकाल रही हूँ, और बीच बीच में आप चलाते रहें। और ये देखिए अभी इसे हम और पकाएंगे। और ये मैंने ढक्कन आधा यहाँ पे लगा के छोड़ दिया है धीमी आंच पे, और अब मैं यहाँ पे फिर से इसको चलाऊंगी। तो साइड में जो मलाई लग रही है आप इसको भी निकालते जाएं, ताकि खीर हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हो। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मखाना जो हमने फ्राई किया था, और साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें चीनी। और चीनी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे,
तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे पकाते हुए धीमी आंच पे, और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इससे। और ये पूरी हमारी बनके तैयार है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बढ़िया हमारी खीर बनके तैयार हो गई और बहुत ही जल्दी बन गई। तो अगर आप माता रानी के भोग के लिए अगर आप इसे बना रहे हैं तो इस नवरात्रि आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। तो देखिए खीर हमारी अच्छे से पूरी बनके तैयार है और थोड़ी देर हम इसे और पकाएंगे। और ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और मैं इसे लगातार चला रही हूँ यहाँ पे, और ये बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची, उसको मैंने हल्का सा क्रश करके इसमें डाल रही हूँ। और आप चाहें तो आपके पास इलायची पाउडर है तो आप इलायची पाउडर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो खीर हमारी बन के तैयार है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ड्राई फ्रूट जो हमने कट करके रखा था, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी। और आप देखिए खीर हमारी बनके पूरी तैयार है। तो गाइस कैसी लगी है ये मखाने और साबूदाने की खीर, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई, और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। तो नवरात्रि में ये खीर आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।